आपको ये बताते चलें कि ये मामला हरिया ब्लॉक के अंतर्गत पूरे भनई ग्राम सभा का है, जहां पर शौचालय बनाने के नाम पर खानापूर्ति करके छोड़ दिया जाता है, ना उसमें सीट लगाई जाती है और ना छत को ढाला जाता है। ऐसे में शौचालय किस काम का? सरकार द्वारा जबकि दावा किया जाता है कि 12,000 रुपए हर व्यक्ति के खाते में डाल दिए जाते हैं, लेकिन ग्राम सभा पूरे भनई की सच्चाई कुछ और है। ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी की मिलीभगत से शौचालय बनाने के नाम पर लूट मची है। शौचालय में ना तो सीट मिलती है, ना ही उसकी छत ढाला हुआ होता है और ना ही सेफ्टी टैंक बना है। केवल खानापूर्ति करके छोड़ दिया जाता है और बचे हुए पैसे को ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी में बांट लिया जाता है। ऐसे में सरकार द्वारा दावा किया जाता है कि हर ग्राम के लोग शौचालय युक्त हो चुके हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और देखने को मिली, जहां पर भोले भाले गांव के लोगों को बेवकूफ बनाकर शौचालय के नाम पर पैसे बंदरबांट किए जा रहे हैं। गांव की भोली भाली जनता को ग्राम प्रधान द्वारा बेवकूफ बनाया जा रहा है। यूएफटी न्यूज 24 के सह संपादक जय सिंह अग्रहरी ने जब संबंधित अधिकारी वीडियो हंडिया से बात करने पर अधिकारी द्वारा ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। क्या नाम है आपका? सरजू प्रसाद। गाँव पूरे बने, ये शौचालय बने कितने दिन हो गया? वही 7-7.5 महीने। इसी हाल में है? इसी हाल। इसमें तो कुछ भी नहीं है, न सीट लगा है, न छत ढला है, कुछ भी नहीं। तो प्रधान जी से आपने बोला नहीं? प्रधान जी से बोले, प्रधान जी को बोलने पहले ही कह दिए कि बनवा देंगे, लेकिन बना नहीं। एक चीज ये बताइए, जैसे शौचालय जो बन रहा है उसकी एक मानक होती है, सीट लगता है, छत बनता है, टाइल्स लगता है, टैंक बनता है 3 फीट का, तो क्या जैसे ये सब नहीं वो करवाएं तो आपने कभी वीडियो साहब के यहाँ इसके संबंधित अधिकारी के यहाँ एप्लीकेशन नहीं दिया आपने? किसी के यहाँ नहीं गया।